हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो दोस्तों, झारखंड पेपर टू का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमने कल स्टार्ट किया था और हमने जो है 33 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने 33 तक करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 34 नंबर से। तो 34 नंबर सवाल है, झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार झारखंड के किसी खिलाड़ी को किसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि देने का प्रावधान है। तो सबसे पहले तो खेल नीति 2020 के अनुसार पूछा जा रहा है और विश्व चैंपियनशिप में पूछा जा रहा है स्वर्ण पदक जीतने पर कितने धनराशि देने का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपये। और क्या क्या प्रावधान है 2020 वाले खेल नीति के अनुसार? इसके अनुसार विश्व चैंपियनशिप में अगर आप स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर कांस्य पदक जीतेंगे तो आपको क्रमशः 20, 15 और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी स्वर्ण पदक जीतने पर 20, सिल्वर पदक जीतेंगे आप तो 10 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे तो सॉरी 15 और ब्रॉन्ज जीतने पर आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर यही आप ओलंपिक में स्वर्ण पदक या रजत या फिर कांस्य पदक जीतते हैं तो क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ व 75 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो 2 करोड़, 1 करोड़ और 75 लाख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 20 लाख रुपए। अगर आप विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो आपको 20 लाख रुपए, रजत पदक जीतते हैं तो 15 लाख रुपए और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं यानी कांस्य पदक जीतते हैं तो 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। वहीं अगर खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक चैंपियनशिप में अगर आपने स्वर्ण पदक जीता है तो आपको 2 करोड़ रुपए, रजत पदक जीता है तो 1 करोड़ और कांस्य पदक जीता है तो 75 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो झारखंड के हॉकी खिलाड़ी कौन नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमेश लकड़ा। विमेश लकड़ा जो है झारखंड के मुक्केबाज है, इसलिए ये हॉकी खिलाड़ी नहीं है। बाकी सब जो है तीन, पहला, दूसरा और चौथा, यानी विमल लकड़ा, अंशुता लकड़ा और सुशीला लकड़ा, ये सभी हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट है 36वां नंबर सवाल, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना में कौन सा मानद पदक प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कर्नल। आगे बढ़ते हैं 37वां नंबर सवाल देखते हैं, झारखंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित नहीं है? तो दीप सेन गुप्ता को तो सभी जानते हैं, शतरंज खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा, नीरज कुमार मिश्रा भी जो है, नीरज कुमार मिश्रा ये भी शतरंज के खिलाड़ी है झारखंड से संबंधित, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नीरज चोपड़ा नाम के एक खिलाड़ी है, वो झारखंड से तो नहीं है। नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है ओलंपिक में। 37वां हो गया। अब चलिए 38वां नंबर देखते हैं, 38 नंबर सवाल है, लूथरू हांसदा का संबंध है? तो लूथरू हांसदा का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। लूथरू हांसदा झारखंड के तीरंदाज है, इन्होंने 62वें SGFI राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 39th नंबर सवाल है, CNT एक्ट 1908 के प्रावधानों के अनुसार कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाली भूमि के संबंध में निम्न में से किस भूमि को कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है? ऑप्शन है बगीचे की भूमि, कृषि की भूमि, वास भूमि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी इनमें से किसी भी भूमि को वो कोड़कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 40वां नंबर सवाल, CNT एक्ट 1908 के अनुसार वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी भाग को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी खुटकट्टीदार। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 की धारा 8 में दिया हुआ है, धारा 8 के अनुसार जिस मुंडारी ने जंगली भूमि के किसी भाग को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार प्राप्त किया है उसे मुंडारी खुटकट्टीदार कहा जाता है। ये किस धारा में दिया हुआ है? ये धारा 8 में दिया है। और धारा 8 कौन सा अध्याय में आता है तो इसका भी एक मैं जल्दी से ट्रिक लेकर आऊंगी। तो इसका फिलहाल मैं बता देती हूँ कि अध्याय एक जो है इसमें 1 से लेकर 3 तक की धाराएं हैं। अध्याय 2 में कितना है? 4 से लेकर 4, 4, 8, तो ये 2 में आएगा। और तीसरा कितने से स्टार्ट होता है? 9 से स्टार्ट होता है। तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक लेकर आने वाली हूँ, तो वीडियो का इंतजार कीजिए आप। तो 41 नंबर सवाल देखते हैं, 41 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रारूप किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लागू जरूर हुआ है लेकिन इसका प्रारूप जो है 1903 ईस्वी में ही तैयार हो गया था। और इसका ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था? हॉफमैन ने।
चलिए आगे देखते हैं, 42 नंबर सवाल। सीएनटी एक्ट 1908 में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो अभी तक जो है सीएनटी एक्ट में टोटल 26 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार संशोधन हुआ था सन 1920 ईस्वी में, और लास्ट टाइम अगर बोला जाए मतलब उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो वो है 1995 में। इसके बाद अभी तक जो है सीएनटी एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, और अभी तक की बात की जाए तो 26 टोटल 26 संशोधन किए जा चुके हैं। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत भू स्वामी को भूमि के सामान्य सर्वेक्षण व माप का अधिकार है? भूमि के माप और सर्वेक्षण का अधिकार भू स्वामी को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 75। सीएनटी एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत किसी भू स्वामी को भूमि के सामान्य सर्वेक्षण व माप का अधिकार प्राप्त है। 44वां नंबर सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत है, तो एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमींदार से भिन्न वह व्यक्ति जो स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्यों या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने हेतु भू धारण करता हो, उसे हम एसपीटी एक्ट की के अनुसार रैयत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 45वां नंबर सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों तक बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत अगर 5 वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किया जाता है तो ये बंदोबस्त रद्द कर दी जाती है। आगे है 46वां नंबर सवाल, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार है? ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के अगर सेट को आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मुझे याद आ गया ये खपड़े वाले जो क्वेश्चन है ना, ईंट व खपड़े से मुझे याद आ गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है आंसर, यानी धारा 15 के अनुसार एसपीटी एक्ट में बात कर रहे हैं हम, सीएनटी नहीं, एसपीटी एक्ट की धारा 15 के अनुसार अपने रैयत को अपने घरेलू या फिर कृषि संबंधी परियोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार है, तो ये धारा कितना है? 15। चलिए आगे देखते हैं, 47वां नंबर सवाल है, पेशा कानून का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सशक्त करना है? तो पेशा कानून भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। पेशा कानून, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए पेशा कानून का मूल उद्देश्य है, ग्राम सभा को सशक्त करना। तो पेशा कानून कब आया था? 1996 ईस्वी में। इसका मूल उद्देश्य जो है ग्राम सभा को सशक्त करना है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की नई पर्यटन नीति किस वर्ष आई थी? तो लास्ट टाइम जो है 2015 में आया था, उसके बाद इसके 5 साल बाद 2020 ईस्वी में, उसके बाद अभी तक नहीं आया, यानी कि 2020 नई वाली पर्यटन नीति 2020 हो गई। इसमें देखिए, झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सन 2020 में झारखंड राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी, इससे पूर्व जो है 2015 ईस्वी में आया था। 49वां नंबर सवाल है, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, और ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, और ये लातेहार जिला में है। 49th हो गया, 50 आधा पड़ा होने जो है पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों पर विचार कीजिए, तो विचार क्या करना है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दशम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात। उपर्युक्त में से रांची के पठार के ढालों के कारण निर्मित जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में, दशम फॉल रांची में है, और गौतम धारा जलप्रपात भी रांची में है। तो ये सभी जो है रांची के पठार के कारण ही निर्मित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, इस पठार के ढाल के कारण इसमें बूढ़ा घाघ, दशम, गौतम धारा, जोन्हा आदि जलप्रपातों का निर्माण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है? तो एग्रीको, बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल, बिहार स्पंज आयरन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी जो है ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उपर्युक्त सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। एग्रीको की बात करें तो ये एक मिनट तो साफ कर देते हैं, एग्रीको की बात करें तो ये जमशेदपुर में है, और ये टाटा समूह के अंतर्गत आता है। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल की बात करें तो ये पलामू जिला में है, बिड़ला समूह के द्वारा, और बिहार स्पंज आयरन ये सरायकेला खरसावा में है, और ये बिड़ला समूह की कंपनी है। तो मैं लिख देती हूँ, पहला नंबर जमशेदपुर, दूसरा की बात करें तो पलामू,
और तीसरा है सरायकेला, सरायकेला व खरसावा। आगे देखते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कौन सी संयंत्र की स्थापना रूस की सहायता से की गई है, यानी HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कौन से संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, तो वह हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। HEC में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है रसिया की सहायता से बनाया गया है। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से हुई है तथा अन्य दो प्लांट जो है फाउंड्री फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन टूल्स, इसकी स्थापना जो है चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुई है। नेक्स्ट है 53वां नंबर सवाल है, कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है सोहराई पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, मंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है, टुसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है बंदना पर्व झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है, चौथा नंबर बिल्कुल गलत है, बाकी सारे जो है सही है। सोहराई पर्व जो है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, मंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, टुसू पर्व जो है मकर संक्रांति से जुड़ा है, जबकि वंदना पर्व जो है कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदना पर्व का आयोजन जो है कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। इस पर्व की शुरुआत जो है ओहिरा गीत के साथ होती है, और रोहिणी या रोहिणी पर्व जो है त्यौहार झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार है। तो पहला त्यौहार जो है वंदना नहीं होगा, यहाँ पे वंदना को काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रोहिणी, रोहिन या फिर रोहिणी, रोहिणी पर्व, रोहिणी पर्व झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का पहला त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54वां नंबर सवाल है, झारखंड के निम्न स्थानों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, पहला है मोशाबनी, घाटशिला, सुरदा और ये केंद्रीय, उपरोक्त में से किस खनिज के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। तो आपको ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा, घाटशिला जो है तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर भी तांबा ही है। प्रश्न में उल्लिखित सभी स्थान पूर्वी सिंहभूम जिले में है और ये तांबा खान हेतु प्रसिद्ध है। और सवाल है, दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि दामोदर नदी झारखंड में पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। गलत क्यों है, इसका आंसर जगह केवल एक कथन सही है। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि झारखंड के पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए फल्गु नदी प्रसिद्ध है, ना कि दामोदर नदी। इसका उद्गम यानी दामोदर नदी का उद्गम जो है चूल्हा पानी कहाँ से हुआ, लातेहार जिला से हुआ है, और ये किस नदी में गिरती है, ये हुगली नदी में गिरती है। झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इसका झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में इसका सबसे अधिक विस्तार है। झारखंड में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र सिंहभूम में है। नेक्स्ट है 57th नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी दिया हुआ है और सहायक नदी, औरंगा किसके सहायक नदी है, अमानत, मोरहर और मोहना। तो चलिए देखते हैं, औरंगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, जी हाँ ये है, औरंगा जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, अमानत भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, जबकि यहाँ पे दक्षिणी कोयल दिया हुआ है। तो दूसरा बिल्कुल गलत है, मोहना फल्गु की सहायक नदी और मोरहर पुनपुन की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमानत जो है दक्षिणी कोयल की नहीं बल्कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कोयला परियोजनाओं पर विचार कीजिए। रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना, उपयुक्त में से कौन सी परियोजना झारखंड में विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। तो विश्व बैंक के सहयोग से जो है ये तीनों परियोजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन सी, रजरप्पा, राजमहल और दामोदर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में रजरप्पा, राजमहल, दामोदर, झरिया तथा कतरास। इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो भी बता रही हूँ मैं, रजरप्पा, राजमहल, दामोदर, झरिया और कतरास कोल परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। 59th नंबर सवाल है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया। तो झारखंड की पहली औद्योगिक नीति 1 मार्च सन 2001 को लागू किया गया। झारखंड की पहली औद्योगिक नीति को 1 मार्च 2001 को लागू किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति का पुनर्संशोधन रूप अर्थात दूसरी औद्योगिक नीति सन 2012 में लागू हुई। 60वां नंबर सवाल है, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत वामपंथी उग्रवादी हिंसा में यदि कोई सामान्य नागरिक की मृत्यु होती है तो आश्रितों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। तो कितनी अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है, वह 1 लाख रुपए। प्रत्यावर्तन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत वामपंथी उग्रवादी में हिंसा में यदि कोई सामान्य नागरिक की मौत होती है तो उनके आश्रितों को 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाती है। प्रत्यावर्तन नीति में विश्वास कर हार्डकोर चर्चित नक्सली कुंदन पहन सरकार के समक्ष समर्पण कर कहां से विधानसभा चुनाव 2019 में मैदान में थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमाड़ क्षेत्र।
तमाड़ विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा चुनाव 2019 में हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बरसठवा है, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब बेचना प्रतिबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष। तो झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब बेचना प्रतिबंधित है। तिरसठवां नंबर सवाल है, झारखंड भू अर्जन नियमावली 2015 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि का अर्जन किया जा सकेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भू स्वामी की सहमति से और ग्राम सभा की सहमति से, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड भू अर्जन नियमावली 2015 के तहत अनुसूचित क्षेत्र की भूमि को भू स्वामी के साथ साथ ग्राम सभा की सहमति से ही भूमि का अर्जन किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि की बात की जा रही है कि अगर उनका अर्जन करना है तो भू स्वामी के साथ साथ ग्राम सभा की सहमति भी आवश्यक है। 64वां नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा झारखंड सरकार की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है विस्थापन की समस्या का समाधान, पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास प्रक्रिया की गति को तीव्र करना, और तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब दो स्टेटमेंट सही आ गए हैं तो यानी कि तीसरा भी सही ही होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संचालन राज्य के किस जिले में हो रहा है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दुमका जिला। राज्य में उत्पादित कुल विद्युत का 51% स्वामित्व जो है राज्य सरकार के पास है, और इस योजना के माध्यम से किसानों को पाइपलाइन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इस परियोजना की शुरुआत जो है 2021-22 में वित्तीय वर्ष में की गई थी। HEC की किसकी सहायता से स्थापित की गई थी? तो HEC की स्थापना में आपको पता होगा कि रूस और चेकोस्लोवाकिया दोनों के सहयोग से स्थापित की गई थी, जिसमें से ऊपर वाले प्रश्नों में हमने देख लिया कि तीन में से दो शाखाएं जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, जबकि एक जो है रूस के सहयोग से बना था। चलिए आगे देखते हैं 67th नंबर सवाल, प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला की स्थापना कब हुई थी? तो तांबा उद्योग घाटशिला की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला की स्थापना 1924 में हुई है। तांबा शोधन हेतु घाटशिला में ही 1930 में इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ने तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की। 24 में घाटशिला उद्योग की स्थापना की और 30 में क्या है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ने तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल मिल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पलामू। बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल मिल पलामू जिला में है और यह मिल बिड़ला समूह द्वारा स्थापित है। ऊपर वाले प्रश्न में अभी हमने देखा कि निजी कौन सा है, तो ये निजी है और यह बिड़ला समूह के अंतर्गत है। कौन सा कथन सत्य है? तो 69th नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.72% है, तो ये गलत है क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं, ये जनसंख्या है 2.72%, जबकि अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 2.42%। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, झारखंड राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.2% है, तो ये उल्टा दिया हुआ, जो इसमें होना चाहिए वो इसमें है, जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक सही है और ना ही दो। नेक्स्ट है 70 नंबर सवाल, किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? तो टिस्को जो है इसका नाम जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था, इसका नाम जो है टाटा कर दिया गया सन 2005 में, तो इसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया सन 2005 ईस्वी में। वस्त्र तो टाटा की स्थापना सर सन 1907 ईस्वी में हुई थी, साक्ची नामक स्थान पे हुई थी, जिसे बाद में जो है जमशेद जी के सम्मान में जमशेदपुर कर दिया गया। चलिए 71 नंबर सवाल है, झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवेयर नीति 2016 में निम्नलिखित में से किसे एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेक्सटाइल। झारखंड वस्त्र परिधान एवं फुटवेयर नीति 2016 में टेक्सटाइल को एक विशेष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है, पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है पहले पढ़ लेते हैं, कौन सा कथन है। पहला कथन है इस योजना की लॉन्च जो है 2021 में हुई थी। दूसरा है इसके अंतर्गत राज्य के ग्राम पंचायतों में 5000 खेल के मैदान बनाए जाएंगे। तीसरा है यह झारखंड के एक वीर शहीद पोटो हो के नाम पे शुरू किया गया है। तो सबसे पहले तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही है, तीसरा नंबर तो बिल्कुल सही है, तो तीसरा जिसमें नहीं है पहले हम उसको काट के हटाएंगे, तीसरा नहीं है तो ठीक है, पहला नंबर हट गया। अब दूसरा देखिए, इसका जो योजना की शुरुआत जो है इसका डेट जो है 2020 में हुआ था, 2020 में, इसलिए ये बिल्कुल गलत है पहला कथन। तो पहला कथन असत्य है, तीसरा सही है, तो इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का प्रारंभ जो है 4 मई को हुआ था, ये भी डेट याद रखिए 4 मई 2020।
इसे याद करने का तो अच्छा सा ट्रिक है। देखिए मई कौन सा महीना होता है, पांचवा, तो 4 × 5 कितना होता है, 5 × 20 यानी 2020 में। ठीक है तो चलिए पढ़ के मैं सुना देती हूँ। झारखंड में वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ 4 मई 2020 को राज्य में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य की गई थी। इसका उद्देश्य जो है राज्य के प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना था। साथ ही इसके तहत राज्य में हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाया जाएगा, और कितना खेल मैदान, 5,000। नेक्स्ट है, ये भी योजना से जुड़ा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है, गुरु जी किचन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। इसके माध्यम से गरीबों को मात्र 5 रुपए में पोषाहार दिया जाएगा। इस योजना का नाम जो है, पुराना नाम क्या है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ख और ग सही है और पहला गलत है। तो क्यों गलत है, क्योंकि झारखंड राज्य के बजट 2021-22 के दौरान झारखंड गुरुजी किचन योजना की शुरुआत हुई थी, ना कि 20 में। यानी बजट 2021-22 के दौरान झारखंड गुरुजी किचन योजना का प्रारंभ हुआ था, और इसके माध्यम से गरीबों को मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। बाद में इस योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया। यद्यपि पूर्व में यह मुख्यमंत्री दाल भात योजना के नाम से चलाई जा रही थी, मतलब दाल भात योजना, यह बन गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, इसके बाद गुरुजी किचन योजना। मुखबिर योजना का संबंध कौन सा सही नहीं है। तो संबंध में मतलब मुखबिर योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला देखिए, यह उग्रवाद के विरुद्ध मुखबिरी करने के संदर्भ में है। दूसरा है, यह राज्य के अनावश्यक नशीले पदार्थ के निषेध की मुखबिरी करने के लिए है। तीसरा है, सरकारी कर्मचारियों से घूस लेने के। तीसरा चौथा है, यह बाल विवाह को, तो ये हमारा आंसर है, यह बाल विवाह की सूचना देने में मुखबिरी के संदर्भ में है। तो झारखंड सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए मुखबिर योजना 2023 लाई गई थी, 2023 लाई गई है। इसके तहत क्या होता है, बाल विवाह की जानकारी को सरकार को देने वाले को नगद 1,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, जबकि 1 वर्ष में बाल विवाह का कोई मामला नहीं होने पर उस पंचायत को जो है 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। किसी भी पंचायत में अगर 1 वर्ष में कोई भी बाल विवाह नहीं होगा तो उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने बाल विवाह के बारे में अगर कोई खबर दिया है तो उसे 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा नगद। नेक्स्ट है, झारखंड के व्यक्तित्व को मिले पद्म श्री पुरस्कारों में किस एकमात्र व्यक्ति को सांस्कृतिक क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। जमुना टुडू, मधुर मसूर हासमुख, सीमोन उराव और बुलू इमाम। इसका आंसर हो जाएगा बुलू इमाम। एक मिनट, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बुलू इमाम। नेक्स्ट है, सावित्री बाई फुले योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का संशोधित रूप है। इसके तहत बालिकाओं को 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा है, इसके अंतर्गत लाभार्थियों को कुल 35,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और योजना के अंतर्गत लाभ माता की प्रथम 2 पुत्रियों को दिया जाएगा। तो इसका देखते हैं, देखिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में जो योजना चलाई जा रही थी सुकन्या समृद्धि योजना, इसे संशोधित करके सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया था। इसके तहत जो है 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को कुल मिलाकर 40,000 रुपए किस्तों में दिया जाता था। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ख ग और घ, ख ग और घ सही है, जबकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये योजना जो है 18 में शुरू नहीं की गई थी, ये 2022 में संशोधित की गई थी। जो 19 में चलाई जा रही योजना सुकन्या समृद्धि योजना को सन 2022 ईस्वी में संशोधित कर दिया गया, और इसका नाम जो है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। 77वां नंबर सवाल है, विश्व की पहली बाघों की जनगणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई थी। तो 1932 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय पार्क में विश्व की पहली बाघों की गणना सन 1932 में की गई। 78 नंबर सवाल है, अभयारण्य और जिला, तोपचाची अभयारण्य धनबाद में है, जी हाँ सही है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में है। तेनुगढ़ पक्षी विहार ये भी बोकारो में है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, 78 का डी है, यानी कि सभी सही है। 79 है, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार राज्य को स्पर्श करते हैं। तो बिहार राज्य को टोटल 10 जिले जो है स्पर्श करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गढ़वा जो है, जी हाँ गढ़वा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को टच करता है। पलामू जिला भी टच करता है, देवघर भी टच करता है, दुमका भी टच करता है, गुड्डा, जी हाँ गुड्डा करता है, चतरा भी करता है, जामताड़ा, जामताड़ा करता है, एक मिनट में देखती हूँ मन के कल्पना से, जामताड़ा, जामताड़ा भी करता ही है, चतरा नहीं, जामताड़ा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो जामताड़ा छोड़कर कोडरमा भी करता है, तो 1 2 3 4 गोड्डा भी करता है, ये 5 6 और 7, तो ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बिहार राज्य को कुल 10 जिले स्पर्श करते हैं, कौन कौन से, गढ़वा, पलामू, चतरा, उसके बाद जो ऑप्शन मैंने वो हजारीबाग, कोडरमा करता है, गिरिडीह करता है, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। जामताड़ा जिला जो है पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, ना कि बिहार को। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी से किस कंपनी या संस्था द्वारा 2 एशियाई शेरों को गोद लिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, PVUN पतरातू। तो ये क्या है दोस्तों, झारखंड में वन्य जीव संरक्षण के लिए PVUNL लिमिटेड पतरातू ने 1 वर्ष के लिए भगवान बिरसा जैविक पार्क में 2 एशियाई शेरों को अपनाने के लिए झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के तहत साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, PVUNL पतरातू। ये क्या है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आगे देखते हैं 81 नंबर सवाल, कहाँ के गांव को पुनर्वासित करने पर प्रस्ताव NTCA को भेज दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व के 8 गांवों को ग्राम सभा के माध्यम से पुनर्वास करने के प्रस्ताव को NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेज दिया गया है, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 82 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में वन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प पारित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 2021। झारखंड राज्य में वन प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सन 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प पारित किया गया। 83 है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार झारखंड राज्य के में कुल वन उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत गैर लकड़ी वन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कितना परसेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96%। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन उत्पाद का लगभग 96% गैर लकड़ी उत्पाद अथवा लघु वनोपज व सेवा के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि लकड़ी के अलावा जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि केंदु पत्ता टाइप का हो गया, इस तरह की चीजें जो होती है लाह। आगे देखते हैं 84 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में गिद्धों की संख्या में आने वाली कमी का क्या कारण है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा, डाइक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग और वन अवरोहण, इसका दोनों रीजन है। तो झारखंड में डाइक्लोफेनेक नामक दवा के प्रयोग तथा वन अवरोहण के कारण गिद्धों के प्राकृतिक आवास में विखंडन के परिणाम स्वरूप गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आई है, तो इसका ये कारण बहुत बड़ा है, डाइक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग। 85 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास हेतु उत्तरदायी कारण नहीं है, तो पहला है क्या है, ऑप्शंस, सड़कों का तेजी से निर्माण, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण, औसत से अधिक वर्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत से अधिक वर्षा। अब देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई भी नियम यथाशीघ्र विधानसभा में रखा जाएगा, तो झारखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है औसत से अधिक वर्षा, जबकि सड़कों का तेजी से निर्माण है, उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण, ये सब है। 86 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में हो रहे जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 2020-25 के बीच ग्रीष्म ऋतु में 10% तापमान में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, इसका आंसर जगह 2 से 3%। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, तो बाढ़ का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है, उत्तर पूर्वी भाग में, झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग जहाँ गंगा नदी का प्रवाह है बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है इस परियोजना के संबंध झारखंड के साथ साथ बिहार तथा उड़ीसा राज्य से है, ये देखिए बिहार तथा उड़ीसा, अच्छा झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये सही है, इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से, ये भी सही है, यह झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो ये तीसरा कथन गलत है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, तो यहाँ सॉरी बिहार नहीं होगा, बिहार तो वेस्ट बंगाल होना चाहिए। हाँ तो देखिए मैंने जो है ध्यान से नहीं देखा, इसी तरीके का गलती जो है एग्जाम्स में होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना का संबंध झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य से है, इस परियोजना का संचालन विश्व बैंक के सहयोग से हो रहा है और ये झारखंड की सबसे बड़ी नहीं है, दामोदर घाटी सबसे बड़ी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में बाढ़ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कथन क्या है, राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण अधिक वर्षा के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि है, ये सही है, राज्य में बाढ़ से सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी भाग प्रभावित है, ये भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, सॉरी देखिए फिर से देखिए प्रयोग, दोनों कथन यहाँ पर असत्य लिखा है, ये नहीं, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सत्य है।
19 नंबर सवाल है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम को लागू करने में बाधा डालेगा तो उसे ऑप्शंस के अनुसार कितने वर्ष की कारावास होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष की अवधि का कारावास दिया जा सकेगा। 91 है, निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन करें। पहला है ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मुखिया होता है। दूसरा है ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना का निर्माण इस समिति द्वारा किया जाता है। तीसरा है यह समिति आपदा से बचने के लिए आम लोगों को कृत्रिम तरीके से पूर्वाभ्यास भी कराती है। तो इसका आंसर क्या है, तीनों कथन सत्य है। 92 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर 2006 ईस्वी में राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया। दूसरा है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ। तीसरा है बीआईटी मेसरा द्वारा आपदा केंद्र का संचालन किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन सत्य है और तीसरा बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि श्री कृष्ण लोक प्रशासन रांची द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जाता है, ना कि बीआईटी मिश्रा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज्यादा भूकंप संवेदन क्षेत्र जो है गोड्डा और साहिबगंज। सामान्यता भूकंप के प्रति कम संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है झारखंड, लेकिन राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में गुड्डा और साहिबगंज का उत्तर पूर्व। 4th नंबर सवाल है, अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, बीएसएल। बीएसएल क्या है, अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बीएसएल में। बीएसएल का फुल फॉर्म आप बताना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। झारखंड की पहली सीएलआर नीति कौन सी है, तो झारखंड की पहली सीएलआर नीति है 2020। झारखंड में 3 भाषाओं की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की गई, जिसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, यह सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये गलत है। इस ऐप में 3 भाषा असुर, बिरहोर और बिरजिया शामिल है, तो यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ना होगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, बाकी सारे कथन जो है गलत है। मैं बोरी शाइला पुस्तक के लेखक कौन है, मैं बोरी शाइला के लेखक है महुआ माझी। मैं बोरी शाइला पुस्तक की लेखिका महुआ माझी है, जिसके लिए उन्हें यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन गलत है। पहला है झारखंड में विगत 2 वर्षों में 109.73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा है विगत 2 वर्षों में गोड्डा जिला में 1% दर शून्य रहा है, मतलब गोड्डा में बिल्कुल ना तो घटा है ना ही बढ़ा है, तो ये भी सही है। तीसरा है चतरा लोहरदगा पाकुड़ और कोडरमा में वन क्षेत्र घटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। और चौथा क्या है, सर्वाधिक 1% लातेहार में, ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ के मैं सुना देती हूँ। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में विगत 2 वर्षों में 109.73 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और इस अवधि में गोड्डा जिले में 1% वृद्धि दर शून्य रहा है। सर्वाधिक वृद्धि क्रमशः गढ़वा, पलामू, हजारीबाग में हुई है, जबकि ऑप्शन दिया हुआ पाकुड़ और कोडरमा, तो ये गलत है। लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ में वन क्षेत्र में कमी आई है। नेक्स्ट है 99 नंबर, तो हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री जनवन योजना, मुख्यमंत्री जनवन योजना कब आई थी, 2016 में। उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना सन 2020 में। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना, ये काफी लेटेस्ट वाला है, इसका क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी 2022। और सर्वजन पेंशन योजना 2021, आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3, 1 का 3। दूसरा का बिरसा हरित ग्राम योजना 2, 1 हो जाएगा, तो दूसरा का 1 किस में है, दोनों में है। तीसरा का हो जाएगा 4, तो तीसरा का 4 डी में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी प्रश्न है, साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार किया गया है, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा केवल ए और मतलब का और गा, यानी बीआईटी मिश्रा और आईआईटी कानपुर द्वारा। साइबर क्राइम से निजात पाने के लिए झारखंड में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बीआईटी मिश्रा रांची और आईआईटी कानपुर के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था, तो मैं पीछे कर देती हूँ, तो आप देख लीजिए आंसर की एक बार खुद से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।